गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो दे विच आपां कीता सीगा लाइब्रेरियन कैटालॉग दा मतलब मीनिंग डेफिनेशंस एंड मतलब सहायक दे तौर ते जिहड़े भी कैटालॉग दे विच चीज़ां वरतियां जांदियां ने जिवें एक्सेशन रजिस्टर वगैरह हो गया उन्हां बारे आपां गल कीती सीगी। अज आपां इन्हां दे उद्देश नीड फंक्शंस इंपॉर्टेंस बारे गल करांगे। लाइब्रेरी सूची का प्रमुख उद्देश है लाइब्रेरी के पाठकों नूं पाठ समगरी के संबंध में सही निर्देश प्रदान करना जिस तों हरेक व्यक्ति नूं उसकी इच्छित पाठ समगरी प्राप्त हो सके ते उसका समा बच सके। हरेक समगरी दीआं अंदरूनी विशेषतावां नूं पाठक जाण सके उसका उपयोग कर सके। इहदे विच जिहड़ियां डेफिनेशनस मतलब डेफिनेशनस नहीं कह सकते जिन्हां जिन्हां जिहड़े विद्वानां ने किहा इहदे बारे चार्ल्स एम ई कटर ने 1876 ईस्वी विच लाइब्रेरी सूची के उद्देशों का वर्णन अपनी पुस्तक रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग विच अत्यंत सरल और स्पष्ट रूप विच कीता सी। उन्होंने अनुसार किसी व्यक्ति नूं इच्छित पुस्तक प्राप्त करने विच समर्थवान बनाउणा जेकर उस नूं पुस्तक का लेखक सिरलेख जां विशा ज्ञात है। इहदा मतलब हैगा कि जेकर मतलब पुस्तक लभनी है किसी पाठक ने तो उस लभन के समर्थ बनाउणा जेकर उसनू की है उसका लेखक पता है कि जिहड़ी सी पुस्तक सानू चाहिंदी है उसका लेखक कौन है उसका सिरलेख की है उसका जो विशा की है जिहदे बारे पता है। यह प्रदर्शित करना कि लाइब्रेरी विच एक विशिष्ट लेखक द्वारा रचित यह विशिष्ट विषय नाल संबंधित है एक विशिष्ट प्रकार के साहित्य ते रचित कि पुस्तक उपलब्ध हैं। मतलब कि यह प्रदर्शित करना कि लाइब्रेरी विच है वो कोई स्पैसीफाई जिहड़ा हैगा गा लेखक हैगा जिहदे द्वारा रची गई है जां कोई स्पैसीफाई जिहड़ा सब्जेक्ट हैगा गा। पुस्तक चोण करने विच सहायता प्रदान करना जिथों तक पुस्तक दे संस्करण अते लक्षण दा प्रश्न है। एस आर रंगनाथन की कहिंदे ने एस आर रंगनाथन के अनुसार सूची का निर्माण यह इस प्रकार किया जाए कि उन्होंने द्वारा हेठ लिखिया उद्देशों की पूर्ति हो सके। हरेक पाठक नूं उसका इच्छित ग्रंथ प्राप्त हो सके। इच्छित ग्रंथ मतलब उसनों जो भी उसनों इच्छा अनुसार बिबलोग्राफी या कोई भी मतलब पुस्तक चाहिए आ वो प्राप्त हो सके। हरेक ग्रंथ नूं उसका ढुकमा पाठक प्राप्त हो सके। हरेक बुक नूं ग्रंथ दे जूस वरतों तौर पर किया गया है हरेक बुक नूं उसका ढुकमा पाठक प्राप्त हो सके। पाठ के समय नूं नष्ट होने तो बचाया जाए इसलिए कर्मचारियों का समा नष्ट होने तो बचाया जाए। सूची के उद्देश की व्याख्या निम्न प्रकार की है लाइब्रेरी की संपूर्ण पाठ समगरी जां उसदे किसी एक अंश के संबंध में पाठकों नूं पूरी सूचना प्रदान करना पाठकों दीआं वख-वख पहुंचां दे अंतर्गत सूचना प्रस्तुत करना कि इच्छित पुस्तक अते लोड़ी दे पाठ समगरी नाल लाइब्रेरी विच उपलब्ध है जां नहीं। लाइब्रेरी विच उपलब्ध पाठ समगरी का विषयवार वस्तु स्थिति का ज्ञान प्रदान करना। अगे है सूचीकरण की जरूरत नीड ऑफ कैटालॉग जिहड़ी साडी कैटालॉग की नीड की है ए सिंपल दे मीनिंग दे विच कैटालॉग की नीड यही है कि जो भी साडे लाइब्रेरी दे विच यूजर्स आउंदे ने उन्हां नूं जिहड़ी उन्हां दी बुक्स है जो भी उन्हां नूं चाहीदियां ने वह मतलब कि सही तरीके नाल प्राप्त हो सकन इहदे लई की है कैटालॉग बनाया गया सीगा। अगे फंक्शनस की ने लाइब्रेरी सूची का सब तो वध महत्वपूर्ण कार्य पाठकों नूं उन्हां दी इच्छित पुस्तक के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। सूची के माध्यम नाल ही पाठकों की जरूरी अते लाइब्रेरियां विच उपलब्ध पाठ समगरी नूं इकट्ठे तालमेल किया जाता है। सूची द्वारा ही कैटालॉग द्वारा ही की है पाठकों की जरूरतों के लाइब्रेरी विच जिहड़ी उपलब्ध समगरी है उन्हां दा की आपस में तालमेल किया जाता है। लुबेट जकी ने लाइब्रेरी सूची के हेठ लिखे दो कार्य दस्से ने कि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस विद्वान ने लाइब्रेरी के कि कार्य दस्से ने किस विद्वान ने दस्से ने उन्होंने कहा किसी विशेष प्रकाशन भाव किसी रचना के विशेष संस्करण जो लाइब्रेरी में उपलब्ध हो प्राप्त कराने सुविधा प्रदान करना उस रचना के सारे संस्करणों इकट्ठ प्रदर्शित करना यह लेखक दिन सारिया रचनावान एक स्थान पर उपस्थित करना। अगे हैगा एल जॉली ने किया ने अपनी पुस्तक द प्रिंसीपल ऑफ कैटालॉगिंग यदि पुस्तक केड़ी है द प्रिंसीपल ऑफ कैटालॉगिंग सूची नूं संचार का एक साधन मनिया है इसका कार्य उन्होंने पुस्तकों की जिन्हों रिकॉर्ड करती है दे संबंध में सूचना प्रदान करना है।
जेकर वह सूचना प्रदान करने विच असफल है तो वह अपने कार्यों को पूरा करने विच भी असफल रहती है। अगे मार्गरेट मन ने कहा, लाइब्रेरी विच उपलब्ध हरेक पुस्तक का रिकॉर्ड उसके लेखक टाइटल ग्रंथ वाला जां किसी होर व्यक्ति जिसके द्वारा किसी पुस्तक को प्राप्त करने की संभावना पाठक व्यक्त कर सकता है उन्होंने प्रस्तुत करना। पुस्तकों लेखक प्रविष्टियां का प्रबंध इस प्रकार करना है, जिस तो इलावा किसी भी लेखक दी सारिया रचनावां प्रविष्टियां मतलब एंट्रीज एक ही नाम नाल इकट्ठे एक स्थान पर प्राप्त कीतियां जा सकन। जरूरत अनुसार टाइटल एंट्री नूं भी प्रस्तुत करना, जरूरत अनुसार अंतर निर्देशां नूं भी प्रस्तुत करना, पुस्तक नूं स्थान नूं ज्ञात कराने लई बहुत अंक का उल्लेख करना। यह सीगे की इहदे फंक्शन। अगे लाइब्रेरी सूची और ग्रंथ सूची के विच की अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कैटालॉग एंड बिबलोग्राफी। यह आप पहला भी कर चुके हैं कि कैटालॉग ते बिबलोग्राफी के विच की अंतर है। सुधारण तौर पर दोवें शब्द समान अर्थी शब्दों के तौर पर वरते होंगे, परंतु वास्तव में इन्होंने दोनों में मुढ़ले अंतर हैं। ग्रंथ सूची और लाइब्रेरी सूची दोनों का अर्थ पुस्तक सूचियां ही होंदियां है, परंतु अंतर यह है कि लाइब्रेरी सूची में ज्ञात होंदा है कि लाइब्रेरी में किस एक विशेष विषय से की पाठ समगरी उपलब्ध है, ये विशेष लेखक द्वारा रचित कि पुस्तक उपलब्ध है, कोई भी एक पुस्तक विशेष पुस्तक लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं, जबकि ग्रंथ बंद बिबलोग्राफी लिस्ट के पाठकों को यह जानकारी प्रदान करती है कि किसी भी एक विशेष से कि पुस्तक प्रकाशित है, एक विषय से कि पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रविष्टियां के प्रकार, प्रविष्टियां मतलब की है इतने एंट्रिया दे प्रकार। लाइब्रेरी सूची लाइब्रेरी में उपलब्ध समगरी का रिकॉर्ड है, इसका निर्माण पाठकों की जरूरत की पूर्ति लिए किया जाता है, जिस अनेक यूनिट रिकॉर्ड शामिल हैं। ये यूनिट रिकॉर्ड प्रविष्टियां खवाते हैं, हरेक प्रविष्टि एक विशेष पहुँच पूर्ति लिए निर्मित की जाती है। सूची की उपयोगता से कार्य समर्था इन प्रविष्टियों की उपयोगता से कार्य समर्था से ही निर्भर करती ने। सब तो पहला है क्लासीफाइड कैटालॉग, फिर है डिक्शनरी कैटालॉग। क्लासीफाई कैटालॉग अनुवर्ग सूची या क्लासीफाई कैटालॉग वह कैटालॉग है जिस दिया कुछ एंट्रियां अंक प्रविष्टियां कुछ प्रविष्टियां मतलब कुछ एंट्रियां अंक प्रविष्टियां ते कुछ शब्द प्रविष्टियां होंदियां हैं। इस प्रकार इस सूची के दो मुख्य भाग होंदे ने, क्लासीफाइड पार्ट अल्फाबेट पार्ट। अनुवर्ग सूची की मुख्य प्रविष्टि के हेठ लिखे छे सैक्शन होंदे ने, मुख्य जी मेन एंट्री है वह छे सैक्शन होंदे ने गे। सब तो पहला है लीडिंग सैक्शन, हैडिंग सैक्शन, टाइटल सैक्शन, नोट सैक्शन, असैशन नंबर सैक्शन, ट्रेसिंग सैक्शन। एडिड एंट्री के मुख्य प्रविष्टि द्वारा पाठक दी अधिकतम पहुँचा संतुष्ट किया जाता है, परंतु पाठक की पहुँच वख वख हो सकती है, इसलिए उन्होंने संतुष्ट करने लिए पूरक प्रविष्टियां मतलब एडिड एंट्रिया का निर्माण होंगे। इन्हों द्वारा पाठक दिया वाधू मंगा की पूर्ति की जाती है, इन्हों का निर्माण मुख्य प्रविष्टि तो ही किया जाता है, इसलिए पाठकों दी मंगा संतुष्ट करने लिए मुख्य प्रविष्टि के अलावा जिन्ना होर प्रविष्टियां का निर्माण किया जाता है, जिन्हों की उत्पत्ति मुख्य प्रविष्टि तो होंगी है, वाधू प्रविष्टियां मतलब एडिड एंट्रीज कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एडिड एंट्रीज, क्रॉस रैफरेंस एंट्री, क्लास इंडैक्स एंट्री, बुक इंडैक्स एंट्री, सीरीज इंडैक्स एंट्री, क्रॉस रैफरेंस इंडैक्स एंट्री। अगला है सूची के प्रकार, पाठकों की वख वख पूर्ति लिए पिछले 150 साल तो समय समय से अनेक प्रकार दी सूचियां का निर्माण और विकास होता रहा है। लाइब्रेरी सूची दी प्रविष्टियां के निर्माण के प्रबंध का काम इन्हों पर आधारित होता है, इसलिए इन्हों सूची के प्रकार या सूची के अंदरूनी रूप भी सूची के अंदरूनी स्वरूप भी कहा जाता है। पाठकों की सेवा की अवधारणा में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप ही सूची के अंदरूनी स्वरूप भी परिवर्तन होंगे। सब तो पहला है अल्फाबेटिकल कैटालॉग, जिसे ऑथर कैटालॉग आ जाता है, नेम कैटालॉग आ जाता है, ऑथर टाइटल कैटालॉग आ जाता है, टाइटल कैटालॉग, अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटालॉग, डिवाइडेड कैटालॉग, डिक्शनरी कैटालॉग। अगला है क्लासीफाइड और क्लोज्ड कैटालॉग, प्योर क्लासीफाइड कैटालॉग, मिक्स क्लासीफाइड कैटालॉग। अगला है अल्फाबेटिकल क्लोज्ड कैटालॉग। हाँ जी, ये सारी जी एंट्रीज होंगे ने, उन्होंने प्रकार।
इस तो बाद साडा मतलब टॉपिक दा थोड़ा जिहा पोर्शन ही रह जांदा जिवें लेखक सूची हो गया। अनुवर्ग सूची हो गया, विशेषतावां, ये साडा जिहड़ा कैटालॉग है उहदे बारे जानकारी। हां जी, जे वीडियो वधिया लगी लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो, सबसक्राइब करियो। थैंक यू।